आज हम पढ़ने वाले एक्सेल में मैच, तो चलते हैं मैच के बारे में। इसके मैच को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ डाटा को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका फार्मूला लगाते हैं कि मैच से क्या होता है। तो हमने ये फार्मूला ये बना के रखा है। तो इसमें दिए हमने सबसे पहले दिया है कलर, दूसरा दिया है पोजीशन, और तीसरा दिया है कलर नेम। यहाँ कलर में हमने लिया है रेड, पोजीशन की इस रेड कलर की पोजीशन क्या होगी, और यहाँ पे हमने कलर नेम दे दिया है। तो हम चलते हैं इसको मैच फार्मूला के द्वारा निकालने कि रेड कलर की पोजीशन क्या होगी। तो हम चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला, निकालते हैं मैच का। तो लिखेंगे इक्वल मैच, उसके बाद कोष्टक दे देते हैं, और उसके बाद जाएंगे और हम देखेंगे कि रेड को सेलेक्ट कर लेंगे। रेड को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दे देंगे, और कॉमा देने के बाद संपूर्ण जितने भी कलर नेम होंगे सबको एक बार सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दे के और जीरो दे देंगे। और जैसे ही कोष्टक बंद करेंगे, कोष्टक बंद करने के बाद जैसे इंटर करेंगे, तो हमारा यहाँ पे रेड कलर का पोजीशन निकल के आ जाएगा कि हमारा रेड कलर इस कलर में क्या पोजीशन पे है। इसके साथ साथ जैसे हम अगर यहाँ पे किसी कलर का नेम बदल रहे हैं तो वैसे ही पोजीशन भी बदलता रहेगा। जैसे हम यहाँ पे कर दें येल्लो, जैसे येल्लो करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेड का पोजीशन 3 था, और जैसे येल्लो हमने किया तो इसका पोजीशन तुरंत बदल के 5 हो जाएगा। वैसे अगर हम ऑरेंज लगा दें, एक एक करके हम देख सकते हैं, ऑरेंज जैसे लिखेंगे तो ऑरेंज का ये पोजीशन बता देगा। तो इस तरह से हमारा मैच का फार्मूला बनेगा।